अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अली है। आप देख रहे हैं मोबाइल टुगेदर। दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग गलेक्सी A7 2018 मॉडल, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल को लग गया सिक्योरिटी कोड, तो आप चाहते हैं कि भाई हम इसे घर बैठे बैठे ही खोलें, तो आपको एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप इसका कोड, सिक्योरिटी कोड घर बैठे बैठे ही खोल लेंगे। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर सेटिंग वाली, मोबाइल से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑफ करना होगा। आपका ये नज़र आ रहा होगा पावर बटन, वाले बटन अप, वाले बटन डाउन। आपने पावर बटन से अपने मोबाइल पे वो ऑफ करना है, पावर बटन क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करके तो हमें इसे ऑफ कर देना है। तो देखिए, मैं इसे कर रहा हूँ ऑफ़, तो हमारा फ़ोन ऑफ़ नहीं हो रहा। तो आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपने अपने मोबाइल को ऑफ़ नहीं करना, आपने पावर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपने अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे रीस्टार्ट होगा, आपने पावर बटन और वॉल्यूम बटन आपको एक साथ दबा देना है। ये देखें, ये ऐसे मैं दबा दूँगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने एक साथ पावर बटन और वॉल्यूम अप दबा दिए। तो आपका फ़ोन जब आप प्रेस करके रखना है, आपने जैसे ही प्रेस करके रखें, आपका फ़ोन रिकवरी मोड पे चले जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है सिस्टम रिबूट नाउ, आगे आ रहा है अप्लाई। हमने नीचे आ जाना है वॉल्यूम बटन डाउन से। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इस पर वॉल्यूम डाउन से नीचे कर कर पावर बटन को एक बार ही क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपने फिर डाउन से वॉल्यूम से नीचे करना है, यहाँ पर आपने येस कर देना है। येस करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये इसमें जो भी डाटा होगा वो सारा क्लियर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद आपने सिस्टम नाउ रिबूट, आपने यहाँ पर फिर पावर बटन प्रेस करना है, तो ये रिबूट हो जाएगा। तो सब हमारा फ़ोन बिल्कुल ही रीसेट क्लियर ही हो चुका है। अब ये दोबारा से रीबूट होकर ऑन होगा। जब जैसे आप फ़ोन न्यू ले लेते हैं ना, वैसे हो जाएगा। एक और आपको बताता चलूँ, आपने इसमें जो जीमेल अकाउंट लगाया था पुराने वाला, अगर वो वाला ऑप्शन मांगे तो आपने इसमें पुराने वाला जीमेल अकाउंट लगाना है। वो आपको याद होना चाहिए आपने इसमें जो लगाया होगा। अगर वो याद नहीं है तो फिर इसका सॉफ्टवेयर होगा वो मार्केट से होगा। बहरहाल, ये वाला बिल्कुल ही रीसेट हो गया। अब ये जीमेल नहीं मांगेगा, इजीली आपका फ़ोन रीसेट हो रहा है। ये फ़ोन ऑन हो रहा है तो मैंने यहाँ से 5 से 10 मिनट ले लेगा। आपने इस दौरान अपने फ़ोन को ना ही ऑफ़ करना है, ना ही कुछ सेटिंग करनी है, ना ही किसी बटन को आपने प्रेस करना है। आपने वेट करते रहना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन अब हो चुका है ऑन। हम इसका वो वाला सेटअप करेंगे जब हम अपना फ़ोन न्यू लेते हैं तो हमें सेटअप करना पड़ता है। इसमें हमारा जितना भी सिक्योरिटी कोड इसमें लगा हुआ था वो इजीली ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसका कर लेता हूँ सेटअप। अभी इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन कर रहा है। हाई देयर, तो मैं अब करने लगा हूँ इसको स्टार्ट। इसमें वही सेटअप होता है जब हम न्यू फ़ोन लेते हैं, जो नॉर्मली से सेटअप हमें करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैं वही नॉर्मल से सेटअप कर रहा हूँ। इसे आगे कर दिया, नो कर देना है मैंने, डोंट स्किप स्किप कर दिया। आगे मैं ऐसे कर लेता हूँ अब सेटिंग, मज़ीद सेटिंग। ये ले लेगा 1 से 2 मिनट ले लेगा इसमें ना आपके सेटिंग के। तो आप ये देख सकते हैं मैं कैसे कैसे सेटिंग कर रहा हूँ। तो ऑल डन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप इसकी मेन लुक। तो दोस्तों, इसमें जो सिक्योरिटी कोड लगा हुआ था ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, मैं ऑन करके खोल लेता हूँ। अब इसमें कोई सिक्योरिटी कोड नहीं लगा हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली आने वाली वीडियो में। तो जब तक के लिए।